हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम राजपूती नौकली का लहंगा बनाने सीखेंगे, जिससे कि गेयर भी बहुत ज़्यादा होता है लहंगे में, और जो हेल्दी लेडीज़ होती है उनके आठ कली का लहंगा फिट भी नहीं आता है, तो उन्हें नौकली का लहंगा बनाना पड़ता है। और मैं आपको बहुत ईजी तरीका बताऊँगी जिससे कि कली एकदम परफेक्ट जॉइंट होती है। नौकली का लहंगा बनाने के लिए हमें लगभग 3 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है किनारे की तरफ से, और इस तरफ से आप कपड़े को काट कर सीधा कर लीजिएगा। अब जो भी आपके लहंगे की लेंथ हो उसमें से 1.5 इंच कम कीजिए और 2 पल्ले बना लीजिए। जैसे कि अगर आपके लहंगे की लेंथ 40 इंच की है तो यहाँ पर आपको 38.5 इंच पर निशान लगाना है और कपड़े को ऊपर की ओर फोल्ड करना है। पहले हम 8 कलियाँ कट करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हमें नौकली किस तरीके से कट करनी है। तो यहाँ पर जो भी आपके लहंगे की लेंथ हो उसमें से 1.5 इंच कम करके 2 पल्ले कट करने हैं। यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक अलग कर देंगे। इधर से भी इसे कट कर लीजिए। इस तरीके से हमारे पास 2 पल्ले हो गए। अब किनारे की तरफ से आप कपड़े को बराबर कीजिए और जो दूसरी वाली साइड है जिस तरफ से ये कपड़ा बंद है वहाँ से इसे काट कर आप 2 पल्लों के 4 पल्ले बना लीजिए लंबाई में से। ठीक है, अब हमें एक के ऊपर एक कुछ इस तरीके से बिछाना है कि ऊपर की तरफ तो कपड़ा उल्टा रहे और नीचे की तरफ कपड़ा सीधा रहे। 4 पल्लों को एक के ऊपर एक बिछा लीजिए, कहीं से भी छोटे बड़े नहीं रहने चाहिए। अब देखिए हमें कलियों को फोल्ड किस तरीके से करना है। जो हमारा सीधा सा हाथ है उस तरफ से हमें कलियों की चौड़ाई ज़्यादा रखनी है जब हम कलियों को इस तरीके से फोल्ड करते हैं कपड़ों को। तो जो भी आपके कमर का साइज हो उसे 9 से डिवाइड करना है और उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन वाला। और अगर आप सारी कलियों में एक चुन्नट और डालना चाहते हैं तो उसमें 1 इंच और प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कमर का साइज 36 इंच है तो हमने 6 इंच लिया है, 9 से डिवाइड करेंगे 4 इंच आएगा और 1 इंच सिलाई का प्लस कर लेंगे और 1 इंच चुन्नट के लिए। तो यहाँ पर हमें कलियों की चौड़ाई ऊपर से 6 इंच की लेनी है। कलियों को फोल्ड करने का तरीका जो मैंने बताया है, सीधे हाथ की तरफ से चौड़ी रखिएगा, बड़ी रखिएगा, इस हिसाब से हमें कट करनी है। दोनों तरफ से आप कलियों की चौड़ाई नाप लीजिए, 6 इंच होनी चाहिए दोनों तरफ से, वरना कलियों की साइज जो है ऊपर से छोटी बड़ी हो जाएगी। अब इसे हम बीच में से कट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये 8 कलियाँ हो गई है। ये देखिए इस तरीके से जुड़ेंगी, 4 इस तरफ रहेगी सीधी साइड वाली और 4 रहेगी उरेप साइड वाली। अब एक कली हम निकाल लेते हैं और बाकी कलियों को साइड में रख देते हैं। अब हमारे पास जो बचा हुआ कपड़ा उसे हमें बिछाना है। ये कपड़ा ऊपर की ओर से उल्टा है तो हमें इसके ऊपर जो कली है वो भी उल्टी ही रखनी है, और जो किनारी है दोनों की आप एक साइड रखिएगा। कटी हुई कली को इस कपड़े पर किनारी मिला के रख दीजिए और कपड़े की जो साइड है यानी कि उल्टी सीधी वो भी आप ध्यान रखिएगा। अगर हमारे कपड़ा उल्टा है तो हमें कली भी इसके ऊपर उल्टी ही रखनी है। ठीक है, अभी देख सकते हैं आप, ये कली ऊपर से उल्टी है, कपड़ा उल्टा है और ये कली का कपड़ा भी उल्टा है ऊपर से। इस तरीके से दोनों एक साइड में रहनी चाहिए। इस हिसाब से हमें कली कट करनी है जिससे कि कली एकदम परफेक्ट जॉइंट होती है, एक सीधी और एक उरेप, वरना अगर हमारी कली सही से नहीं कटती है तो गेरा भी कम हो जाता है और कली भी सही से जॉइंट नहीं होती है। सिलाई का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस तरीके से हमारे नौकली का लहंगा कट हो गया है।